एक मतलब समझ सकते हैं, एक लियन को समझते हैं 10 की घात 3, जिसको हम हजार बोलते हैं। अगर हजार का फिर से हजार हो जाए तो मिलियन, ठीक है, हजार का फिर से हजार हो जाए, मतलब 3 घात है, 3 घात 3 घात और ऐड हो जाए तो मिलियन, मिलियन में एम समझना, एम का मतलब मोनू, और बी बिलियन बाई, इसमें बाई है, बाई का मतलब दो होता है ना, बाई, इसका मतलब उसमें बिलियन, मतलब उसमें दो बार आपका आएगा लियन, दो बार हजार आएगा, एक बार हजार फिर से दो बार हजार, तो बिलियन। ट्रिलियन मतलब ट्राई आ जाता है, ट्राई मतलब 3 बार उसमें आ जाएगा, देखिए एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, ठीक है, 3 बार आ गया, इसका मतलब ट्रिलियन। क्वाड्रिलियन मतलब होता है 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस तरीके से 4 बार जब आपका लियन आ जा रहा है, ये 4 बार आपका लियन आ रहा है तो क्वाड्रिलियन। एक बार के लिए एक बार लियन आ रहा है, हजार के बाद एक बार लियन आए तो मिलियन, अगर हजार के बाद दो बार लियन आए, लियन मतलब समझ लिया 10 का 3। इस तरीके से पूरा इसके वीडियो देखिएगा तो सारी चीज समझ में आ जाएगी, और इंटरनेशनल साथ साथ इंडियन नंबर भी समझ में आ जाएगा, लाख करोड़ इसमें भूलते हैं, स्टेप बाय स्टेप भूलेंगे। हेलो स्टूडेंट, स्टूडेंट आपके सामने आज हम बताने वाले हैं नंबर काउंटिंग। नंबर काउंटिंग में आज हम मेन मकसद है मेरा बताना आपको मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन एंड क्वाड्रिलियन, मतलब ये जो चीजें होती है आपको बहुत ही प्रॉब्लम कर जाती हैं कहीं पर आप देखते हैं। तो इसके साथ ही साथ हम दिखाएंगे कि आपका ये आजकल जैसे भी देखे होंगे, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर देखे होंगे लिखा रहता है आपको सब्सक्राइबर में 10K, अब के क्यों लिखा जाता है ये भी समझना होगा, के किसके लिए डिनोट करता है ये भी समझना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम समझाएंगे, यहाँ पर पूरा प्रोसेस आपके लिए होगा और वो चीजें आप समझ के जाएंगे, यहाँ पर पूरा हम बताएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ये संख्या होती है इसको हम यहाँ पर हिंदी में लिखे हैं, इकाई मतलब वंस यानी यूनिट डिजिट, और दहाई मतलब टेन, सैकड़ा मतलब 100, और हजार का मतलब 1000, और लाख का मतलब लाख, एंड करोड़ मतलब करोड़। तो ये चीजें वैसे ही लिखी जाती हैं, और इसके साथ साथ हम इंटरनेशनल में देखते हैं बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, ये सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम दोनों सिस्टम में हम देखते हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ संख्या को लिख के बताते हैं। तो पहली संख्या जो होती है सबसे फर्स्ट वो इकाई होती है जिसको वंस बोलते हैं, और जो दूसरी संख्या होती है उसको हम टेंस बोलते हैं, और जो तीसरी संख्या होती है उसको हम 100 बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं, एंड उसके बाद दो दो डिजिट को अगर हम पकड़ के चले तो हमारा हजार, लाख, करोड़। हमेशा दो दो संख्याओं को पकड़ के चलना है, एक बार दिमाग में बैठा के चलना है कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो संख्या आती है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से ये जो दो डिजिट मतलब दो यहाँ पर अंक है, दो अंक है तो दो अंक होगा किसी भी संख्या में, अगर दो अंक हो तो दोनों लिख दीजिए, आपको जोड़ा बनाना है, क्या बनाना है आपको, जोड़ा बनाना है, दिमाग में बैठाइए जोड़ा जब बनाना हो तो आपको अगर दोनों जोड़ा का मतलब दो अंक, और दो अंक ना बोला जाए, अगर दो अंक ना बोला जाए तो पहले आप 0 लगा लीजिएगा तो उसमें आपको संख्या लिख दीजिएगा, ये दिमाग में बैठा, अगर दोनों संख्याएं बोली जाए तो वो संख्या मतलब दोनों डिजिट बोली जाए तो आप वो लिख दीजिए, अगर दोनों डिजिट ना बोली जाए तो आप 2 0 लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, 2 0, दिमाग में यही बैठाना है। जैसे मैं बोलूं 15 में 1 और 5 है, कंप्लीट है, मैं बोलूं 5 तो 5 में आपका एक ही संख्या, इसके मतलब पहले 0 लिखा तो 5 लिखो, मैं बोलूं आपका उस संख्या पे बोलूं ही ना कुछ तो आप 2 0 लगा दीजिए, ये कॉन्सेप्ट आप समझते रहिएगा, इनको हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो। जैसे देखिए यहाँ पर अगर इसको हम समझना चाहें, हमेशा मैंने बोला कि आपको जो ये होगा, आपको सैकड़ा जो होगी, ये जो सैकड़ा होगा इसको हम अकेले एक ही संख्या यहाँ पर लिखी, एक ही डिजिट लिखा जाएगा, एक ही अंक लिखा जाएगा, बाकी और कहीं पर भी आपको कुछ नहीं, हमेशा जो आपका सैकड़ा वाला पद आपका स्थान होगा, जो आपका 100 वाला स्थान होगा, वहां पर एक ही संख्या लिखी जाएगी, बाकी आपको कहीं पर भी एक अंक नहीं लिखने की जरूरत है, हमेशा दो दो को समझ के चलना है, दो दो को समझ के चलना है, दो दो को समझ के चलना है। जैसे मैं बोलूं 55 तो आपने बोल लिखा 55, जैसे मैंने बोला 55 तो आप लिखेंगे 55, ठीक, मैं बोलूंगा 5 तो आप लिखेंगे 05, दिमाग में लगाए, मैंने बोलो 5 तो आप लिखेंगे, सैकड़ा पे आपको एक ही संख्या लिखना है, मैं बोला 55 तो लिखे 55, मैं बोला 255 तो आप लिखेंगे 255, मैं बोला 855 तो आप यहाँ पर 8 बना देंगे, मैं बोलू 2255 तो आप लिखेंगे 2255, मैं बोलू 5255 तो आप 5255, तो यहाँ पर 5 हमने बोला तो आप 0 लगाए, अब 0 आगे ही शुरू है तो कोई मतलब निकलता नहीं, इसलिए 0 आगे का मतलब कोई नहीं, जिसके पहले कोई संख्या ना हो उसके पहले 0 लगा देते हैं तब भी कोई मतलब नहीं लगाएंगे तभी, इसलिए 0 नहीं, अगर आपकी वो संख्या बीच में पड़ रही है तो आप 0 लगाइए, लेकिन जब शुरुआत में ही 0 आ रहा है कोई जरूरत नहीं, मतलब जब दो अंक बोले तो आप 0 लगा के लिखिए, केवल सैकड़ा को छोड़कर, केवल सैकड़ा को छोड़कर, मैं अगर बोलकर लिखूं ना बहुत इजी तरीके से पड़ जाता है, आपको ये कठिन लगता होगा क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन है, मैं बोला दो दो जोड़ा बनाइए, हमेशा दो दो का जोड़ा बनाइए, जहां पर दोनों दो स्थान हमेशा लिखना है, दिमाग में बैठिए हमें दो स्थान लिखना है, जैसे मैं बोलूं 16 तो आप लिख लेंगे, मैं बोलूं 6 मैं बोलूं 6 देखिए मैं बोलूं 6 तो आप ऐसे लिखिए, अब मैंने बोला था कि जब पहले ही 0 लगा है कोई मतलब नहीं, इसका मतलब आप 6 इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैं बोलूं 206 तो आप देखिए 200 पे आ गया, 200 पे आ गया, जो 100 पे आएगा, जो सैकड़ा पे आएगा उसमें हमें एक ही अंक लिखा, तो 206 तो आप इसको बोलेंगे 2 और 6 तो मैंने पहले से ही लिखा था, काम किया कि नहीं, 0 काम किया ना, 206। इसी तरीके से अगर दोनों संख्याएं बोली जा रही हैं, जैसे बोला मैं 15
तो 15 तो आपको पता ही है, यहाँ पर 15 हो गया। मैं बोलू 315, तो आप 300 पे है तो एक ही लिख दो, 100 पे एक ही संख्या लिखी जाएगी। अगर यही 3015 बोला जाता, 3015, तो आपको यहाँ इस तरीके से लिखना पड़ता, दिमाग लगाइए 3015। आप दिमाग ये लगाना है, हमारा स्थान क्लियर करना है, स्थान ये क्लियर होना चाहिए कि ये स्टेप कभी नहीं भूलना है आपको, इकाई यहाँ पर ठीक, ये इसके बाद दहाई, उसके बाद आपका सैकड़ा, उसके बाद आपका हजार, उसके बाद आपका लाख, उसके बाद आपका करोड़, ठीक, ये दिमाग में आपके बैठा होना चाहिए। तो देखिए मैंने बोला 3015, तो हजार के बाद सैकड़ा आएगा, सैकड़ा मतलब एक ही अंक होता है तो एक ही जीरो लगा, 15, 15 के बाद सैकड़ा भी आता है, तो उसका भी एक जीरो लगा दो, 15, 15 तो आपको बोला कि पूरा 15 लिखा, ये हो गया 3015। कोई गलती? आप बोलेंगे सर गलती तो है, 30,015 लिख दिए, तो गलती हुई ना। जब आपने यहाँ पर मैंने बोला कि 3000, तो आप बोलिए 3000 के बाद सैकड़ा ही तो आ रहा है, तो एक ही जीरो तो लगेगा, एक ही जीरो तो लगेगा, अब कहाँ कोई भी कुछ हो जाए। ये दहाई इकाई को मैंने एक अंक में इकट्ठा कर लिया, सैकड़ा को अकेले, और हजार में 2 अंक, लाख में 2 अंक, और करोड़ में भी 2 अंक, ये चीजें आपको समझना है। जैसे यहाँ पर देखें तो इस तरीके से, यहाँ पर देखें तो ये 2 अंक हो गए, ये सैकड़ा का हो गया, ये 2 अंक हो गए, ये 2 अंक हो गए, ये 2 अंक हो गए। इस तरीके से कोई भी संख्या लिखना हो तो आप आराम से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी चीजें लिख के दिखाता हूँ, जैसे जैसे यहाँ पर लिखता हूँ 4,50,000, 4,50,000, देखिए ये बड़ा बड़ा है। बाद में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जीरो बाद में ऐड करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जीरो बाद में ऐड करते हैं, तो यही दिक्कत होती है उनके लिए, बाद में जीरो नहीं ऐड करा, एक साथ काम करना है, देखिए कैसे किया जाता है। 4 लाख, लाख है पहले शुरू किए हैं तो 4 एक ही अंक है, बीच में आता तो जीरो लगा के लिखते, आगे आया है जीरो लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पर लिख दिया 4 लाख, लाख का पूरा हो गया, लाख के पहले क्या आता है हजार, हजार के लिए हजार इसमें बोला गया, बोला ही नहीं गया, जब नहीं बोला गया दोनों स्थान भर दीजिए जीरो से, दो स्थान में ऐसा होगा दिमाग बैठेगा, दो स्थान में ऐसा होगा दोनों स्थान को हमें जीरो से भर दिया, तो हमने दो स्थान जीरो से भर दिया। उसके बाद मैंने देखा 4 लाख के बाद हमारा क्या बोला जा रहा है 85,000, तो अब बताइए लाख के पहले हजार, हजार को मैंने 2 जीरो से भर दिए, इसमें 2 स्थान होते हैं, इसमें भी 2 स्थान होते हैं, इसमें भी 2 स्थान, तो मैंने इसका 2 स्थान बोला, सैकड़ा में केवल एक ही स्थान होता है और इसमें भी 2 स्थान होते हैं टोटल मिला करके। तो यहाँ पर देखा मैंने लाख के पहले हजार का 2 स्थान भर दिया, सैकड़ा का 1 स्थान बचा हुआ है, उसके बाद दहाई इकाई का यहाँ पर 50 बोला गया है, दहाई इकाई 50 में होता ही है, तो यहाँ पर आपका ये 4,50,000 हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर बोलूं 2,03,001, 3,001, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, एकदम इजी। पहले 2 करोड़, तो 2 करोड़ पे हो गया, करोड़ के पहले लाख, तो करोड़ के पहले इधर लाख, लाख का मुख्य बोला गया नहीं बोला गया, 2 जीरो मारो, उसके बाद करोड़ लाख से पहले हजार, हजार पे क्या बोला गया 3, 3 का मतलब 1 जीरो लगा के 3 लिखो, ये हो गया 3, ये हो गया 3, देखिए दिमाग में बैठाइएगा, ये हो गया 3, इसीलिए मैं यहाँ पहले पहले बता दिया, ये हो गया 3, गलती नहीं होगी, यहाँ पर हो गया 3, ठीक। अब 3000 के पहले सैकड़ा आता है, सैकड़ा कुछ नहीं है, जीरो लगाओ, फिर एक है, एक कैसे लिखा जाएगा, जीरो लगाकर एक, मैंने बोला है कि 2 अंक बोला जाए तो 1 जीरो लगाकर लिखो, पहले ही नहीं और बाकी जाना, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। अगर यहाँ पर मैं बड़ा भी लूँ तो इस तरीके से, सॉरी कुछ अदर नहीं, बीस हजार चार सौ, ये दिमाग में लगाइए, सारी टाइप के ले रहे हैं 20,000, अब बोलिए 20,000, बताइए 20 दोनों अंक बोला गया है ना, तो दोनों अंक बोला गया है तो उसको आपको दोनों लिख दीजिए, 20,000 पे हो गया। उसके बाद हजार से पहले क्या आता है, हजार से पहले क्या आता है सैकड़ा, सैकड़ा कोई नहीं बोला गया है, सैकड़ा बोला गया 400, 400 हो गया। फिर देखते हैं कि आई दहाई वाला 2 अंक मतलब दोनों प्लेस बोला गया, नहीं बोला गया तो इसको आप दोनों जीरो बना दीजिए, ये हो गया 20,400। तो ये रहा आपका जो आपका इंटरनेशनल नंबर, ओ सॉरी इंडियन नंबर होता है उनकी। अब बात फंसती है यहाँ पर लोगों को, यहाँ पर जो बात फंसती है उनके लिए हम यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें लेकर आए हैं, आज के बाद मिलियन बिलियन और ट्रिलियन ये सारी चीजें भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं मिलियन बिलियन और ये सारी चीजें, ठीक है, ये दिमाग में आपको बैठा के चलना है कि कैसे हमें चीजों को बताना है, कैसे हमें तो हमें ये एक बात दिमाग में बैठाना है, हमें हजार लाख से शुरू करना है, सॉरी हजार से, क्या हजार से, ये रहा हमारा मेन पॉइंट जिसको हम बोलते हैं थाउजेंड, क्या हम बोलते हैं थाउजेंड, इसको हम क्या बोलते हैं थाउजेंड,
ओके अब हम थाउजेंड में समझते हैं, थाउजेंड में कितना जीरो है, थाउजेंड में कितना जीरो है, इसमें दस की तीन घात, दस की तीन घात मतलब तीन जीरो, कितना जीरो, तीन जीरो, तीन जीरो, दिमाग में लगाइएगा। यही से स्टेप बढ़ना है, हम मिलियन बिलियन को यहीं से पकड़ेंगे, यहीं से हमें पकड़ बनाना है, ठीक है। एक एक हजार में हमारा तीन जीरो, एक हजार में हमारा तीन जीरो, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो दस हजार होता है, क्या होता है, दस हजार। तो दिमाग में बैठाइए दस हजार, ये है आपका दस, ये है आपका हजार, ठीक है, ये है आपका दस, ये है आपका हजार, इसमें कितना जीरो, तो देखेंगे दस घात चार जीरो, अभी ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं दस हजार के बाद अगर हम देखें ये दो, फिर यहाँ पर इस तरीके से कितना जीरो, पांच जीरो। अब देखिए पांच जीरो, जब यहाँ पर पांच जीरो की बात आती है तो इसको हम लाख बोल देते हैं, अगर हम उसमें समझना चाहें, पांच जीरो के लिए, किसके लिए, पांच जीरो के लिए, पांच जीरो के लिए हमें लाख लिख देना है, क्या लिख देना है, लाख। इसको हम यहाँ पर पार्टीशन कर देते हैं ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना खड़े, लाख पांच जीरो हो जाता है, किस पांच जीरो, ठीक है। अब एक बात दिमाग लगाइए कैसे इसमें बन जाए, ये अब देखिए तीन हो गया, कैसे समझिए, एक हजार कितना, एक हजार, फिर दस हजार, फिर सौ हजार, एक हजार, दस हजार और सौ हजार, एक हजार, दस हजार और सौ हजार। अगर इसी को हम, इसी को हम अगर कर दें कितना, हजार की हजार, कितना, हजार की हजार, दिमाग लगाइएगा, ठीक। ये हमारा थोड़ा पता नहीं कितना सूख गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है, चल नहीं रहा है, मैं आज परेशान हो गया हूँ, ब्लैक वाला चल नहीं रहा है, और इसमें स्याही काफी हद तक है लेकिन पता नहीं क्या हो गया है। एक बार चलिए देखते हैं, देखिए अब इसमें देखिए हजार की हजार है, कित क्या है इसमें देखिए, ये हजार का हजार, यही पॉइंट बना आपका, ठीक है, यही पॉइंट बना। तो दिमाग में आपके बैठ गया कि यहां पर आपका दिमाग बैठाइए, दस की घात छह जीरो है, दस की घात छह जीरो, मैंने बोला था एक एक बार यहां पर आया, देखिए अब इसी को हमें दिमाग लगाना है, मिलियन, इसी को हमें दिमाग लगाना है, क्या, मिलियन, ठीक है, मिलियन में एम को पकड़ना है, मिलियन में हमें एम को पकड़ना है, क्या, एम को पकड़ना है, दिमाग में लगाइएगा एम को पकड़ना है, एम को पकड़ना है, और इसी को हम एम को सम्मान के चलेंगे, एक दिमाग लगा के, एम नहीं है वो, इसको हम एम, सॉरी इसी को हम वो सॉरी लियन वाला कंडीशन समझ के चलेंगे, इसी तीन घात को तीन से, यहां पर ये हो गया, ठीक है। ये बात देखिए हम मिलियन को चले और एम से पकड़ के हमें चलना है, ये बात हमने पहले समझा दी, और ये तीन चीजें भी है आपके लिए, ये हो गया। फिर से अगर हम इसी की चर्चा करें तो आप दिमाग लगाइए, ये आपका हजार का हजार हुआ मतलब मिलियन पहुंच गया, हजार का हजार हुआ तो मिलियन आपका पहुंच गया, ठीक है, हजार का हजार आप कर दिए, तो ये तो बात आपके लिए हो गई। उसके बाद अब इसमें दस घात छह घात भी हो गई है, तो अब हम टेन मिलियन करते हैं, क्या करते हैं, दस मिलियन, मिलियन को मतलब पता चल गया, हजार में तीन घात और तीन तीन घात जितनी बढ़ेगी उतना हमारा मिलियन वाला प्रॉब्लम हटेगा। यहाँ पर तीन घात थी, तीन घात में जैसे ही मैंने तीन घात ऐड की, कितनी तीन घात ऐड की, एक तीन घात, और एक के लिए क्या होता है, मोनो, मोनो का मतलब एम, दिमाग लगाइएगा, मोनो का मतलब एम, और इस तरीके से मिलियन हो गया। इसको हम लियन मान के समझते हैं, इसको हम लियन मान के समझते हैं, क्या, लियन, दिमाग में लगाइएगा, इसको हम लियन मान के समझते हैं। अब दिमाग में लियन आपका पहले से था, मैंने एम और ऐड कर दिया, एक लियन और ऐड कर दिया, एक लियन और ऐड कर दिया, तो मोनो लियन यानी मिलियन, और इसमें अब हमारा ये दस है, दस में हम क्या करें, मिलियन, मिलियन मतलब छह जीरो, छह जीरो, ये दिमाग बैठाइए, ये दस हो गया, इस तरीके से ये हो गया। इसी तरीके से चलिए यहाँ पर आपका सौ मिलियन करते हैं, ये सौ हो गया, मिलियन का मतलब समझते हैं छह जीरो,
100 मिलियन हो गया। 100 मिलियन के बाद एक हजार मिलियन, कितना? 1000 मिलियन, ये 1000 मिलियन हो गया, 1000 मिलियन। फिर से बात आ गई, 1000 मिलियन से आप समझ गए होंगे कि 1000 का मतलब हो जाता है फिर से लियन, यानी ये लियन, और यहां पर एक दो, दो बार आ गया, दो का मतलब डाई, दो का मतलब डाई, ठीक है। और दूसरे रूप में हम बोलते हैं बाई, बाइलिंगुअल, बाई माने दो, बाइलिंगुअल नहीं बोलते हैं, मतलब दो भाषी, तो बाई। तो इसका मतलब यहां पर हो जाता है आपका 10 की घात 9 जीरो, यहां पर 10 की घात 8 जीरो, यहां पर 10 की घात 7 जीरो, ठीक इस तरीके से आपका हो जाता है आपका बिलियन, क्या हो जाता है? बिलियन। तो यहां पर आपका बिलियन हो गया, और इस तरीके से बिलियन में आपका बाया, बक मतलब हो गया बाई, बा का हो गया क्या? बाई, बिलियन। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद आपका यहां से हम ये वाली चीजें हम समझ गए, यहां पर इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर दें ताकि चीजें समझ में आ जाए आपको, ये थोड़ा सा उस तरीके से हो गया। तो अब यहां से फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो दिमाग में बैठाइएगा, फिर यहां पर हमारा तीन बार हमारा अगर लियन आ रहा है तो बिलियन हो गया है। हम इसमें हम 10 में बढ़ते हैं, किसमें? 10 में हम 3 बार लिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये हमारा 10 हो गया, कितना? 10, 10 बिलियन हो गया, कितना हो गया? 10 बिलियन, 1 बिलियन फिर 10 बिलियन, 10 बिलियन के बाद 100 बिलियन, यानी 100 बिलियन, ये हो गया 100 बिलियन। दिमाग बैठाइएगा, एक एक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। ये चीजें आपको हम स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बता रहे हैं। अब उसके बाद 1000 बिलियन, 1000 बिलियन, 1000 में हमने इसको बिलियन को ऐड करूंगा, जैसे ही ऐड करूंगा तो हमारा फिर से बीमारी बढ़ जाएगी, ठीक, क्योंकि 3 बार होगा तो 1 लियन बढ़ जाएगा, 1 लियन बढ़ जाएगा तो 1 लियन और बढ़ेगा, तो बाई के बाद आता है ट्राई, ठीक है, मोनो बाई ट्राई ये हो जाता है। तो यहां पर आपका ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर हम घात की ही चर्चा करें तो ये 10 की घात 10 हो जाता है, ये 10 की घात 11 हो जाता है, ये 10 की घात 12 हो जाता है, ठीक। और इसी को हम बोलते हैं ट्रिलियन, क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रिलियन। ट्रिलियन में हम समझते हैं टी को, क्या समझते हैं? टी को, बाई यम कम हो गया, बाई ट्राई, ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3, ये हो गया। तो अगला हमारा ये हमारा स्टेप पर पहुंचे थे, हमने बोला ये स्टेप पर पहुंचे हैं, ठीक, ये हो गया, थोड़ा ब्लैक चल रहा है, अच्छा से लिखाते बनता। तो ये एक बार हो गया ट्रिलियन, अब 1 ट्रिलियन के बाद 10 ट्रिलियन चलेंगे, 10 ट्रिलियन, ट्रिलियन का मतलब समझते हैं कितना जीरो? 9 12 जीरो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया? 12 हो गया। तो ये 10 हो गया और बाकी ये 12 जीरो हो गया। उसके बाद 10 के बाद हमारा 100 हो जाता है, ये 100 हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गया। 100 के बाद हमारा 1000 आएगा, 100 के बाद हमारा 1000 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा 12 होगा। अब यहाँ पर हमारा बन गया कि फिर से 1000 फिर से हमारा हो गया, हमारा 1000 हमारा फिर से हो गया है। और इसकी घातों की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये 10 की घात 13, 10 की घात 14 और 10 की घात 15, और 15 पर हमारा हो जाता है क्या? क्वाड्रिलियन, क्या? क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन का मतलब, क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है, ये चीजें समझ के चलेंगे। और इसी तरीके से हम क्वाड्रिलियन को भी आगे बढ़ाते चलेंगे, तो 4 स्टेप तक ये चीजें काउंटिंग की होती हैं, इतने तक आपका हो जाता है काम। तो आज से आपको मिलियन बिलियन ट्रिलियन में समझ में आ जाएगी, यानी कि 1000 को हम लियन मान के चलेंगे, अगर 1000 में 1000 और लियन आ गया तो मिलियन, 1000 में अगर हमारा 2 लियन और जुड़ गया तो समझ गए कि 2 बार जुड़ेगा तो बाइलियन, 3 बार जुड़ेगा ट्राइलियन यानी ट्रिलियन, और 4 बार जुड़ेगा तो क्वाड्रिलियन। तो ये समझ गए, यहाँ पर हम M को समझेंगे, और क्या समझेंगे? M
बी टी आर और क्वाड एम बी आई, थोड़ा सा इसको हम मिटा के लिखे तब सही है। देखिए एम इसका मतलब हो जाता है मोनो, और ये हो गया बाई, एक बाइक मतलब दो, और ट्राई ट्राई मतलब तीन, और क्वाड क्वाड का मतलब हो जाता है चार। इन शब्दों को पकड़े चलेंगे तो हमारा मिलियन बिलियन ट्रिलियन सारी चीजें हो जाएंगी, और दिमाग में बैठा के चलना ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को समझिएगा, और कहीं पर कंफ्यूजन बने तो उसको भी कमेंट कर दीजिएगा, और ना दिक्कत हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम अगली वीडियो में, आपको इसको जो भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। यहाँ पर हम सारे स्टेप को हम पूरा अच्छे तरीके से कम्प्लीटली समझाना चाहिए, और समझा दिए कि हमारा 1 बार 10 बार और 100 बार, 100 बार के बाद अगर 1000 बार, 1000 कोई भी चीज 1000 के बाद 1000 हो ना तो वो हमारा चेंज हो जाएगा। ये चीज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, यानी कि यहाँ के स्टेप समझते हैं, 3 × 6 = 9 + 12 = 25, 3 3 का स्टेप चलता हुआ जा रहा है, इस तरीके से ये होगा। ओके, मिलेंगे अगली वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे सारी चीजों को। ओके चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक। और यही बात, हाँ आप लोग क्या करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाइक करिए, सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करिए, और यहाँ पर जो दिक्कत होगी आप कमेंट करना, मैं बेसिक चीजें समझाऊंगा आपके लिए, और सारी चीजें